मेरा नाम संगीता है, आप सबका मेरे शो में स्वागत है। आज के शो में मैं आपको एक बहुत यूजफुल टिप देने जा रही हूँ कि किस तरह से हम अदरक और लहसुन के पेस्ट को पलट में पहले से ही पसा करके रख सकते हैं। अदरक और लहसुन हमारे खाने में बहुत यूज़ किया जाता है और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। यदि हम उसी वक्त अदरक लहसुन को छीलने, काटने, धोने फिर बैठें तो बहुत टाइम हमारा इसमें कंज्यूम होता है। और ये एक बहुत ही बढ़िया है कि यदि हम इसको पहले से ही प्रिजर्व कर रख लें। तो आइए हम देखते हैं कि हम कैसे अदरक लहसुन हरी मिर्च टमाटर को पहले से ही प्रिजर्व कर रख सकते हैं। इसके लिए हमने ये अदरक लिया है, ये हमने लहसुन लिया है। आज हम इसको प्रिजर्व करके देखेंगे कि हम किस तरह से हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। सबसे पहले अदरक की बात करते हैं। अदरक को आप ले लीजिए और उसको आपने छीलना नहीं है, बस आप उसको अगर कहीं से कुछ जैसे मिट्टी लगी या कोई चीज़ है, बस आप उसको हल्का हल्का सा छीलना है। उसको बहुत ज़्यादा पील नहीं करना है, बस लाइट लाइट सा, जैसे कि ऊपर की जस्ट डस्ट उतारनी है आपको उसमें से। ये जैसे इस तरह से मैंने छील के रखा है, ये जैसे मैं एक टुकड़ा आपको करके दिखाती हूँ, जब अदरक का बड़ा टुकड़ा है इसको मैंने धो लिया है। तो हमने जैसे ये यहाँ से हल्का हल्का सा, जैसे ये उतारने वाला है इसको उतार दिया, ऐसे कर दिया, मतलब छिलका आपको उतारने की ज़रूरत नहीं है इसका। और आप इसको जस्ट मोटा मोटा काट लीजिए, कोई ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं है, बस इस तरह से जस्ट हमने काट लिया और धो के हमने थोड़ी देर के लिए छन्नी में रख दिया। ये हमने अदरक काट लिया है, ये हमने लहसुन भी छील के रख लिया है। मैंने वीडियो में बताया है कि किस तरह से हम लहसुन को भी आसानी से पील कर सकते हैं। इसके बाद हमने ये फूड प्रोसेसर में, ये फूड प्रोसेसर लिया हमने। आप ये अपना जो कटर वाला ब्लेड है वो लगा लेंगे और इसके अंदर पहले हम अदरक लहसुन जब इकट्ठा हम प्रिजर्व करके रखते हैं तो ये बेटर रहता है कि पहले हम अदरक को पील करें। इसमें इसको आपको वॉश करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही
कि आप लहसुन को इसमें से पीस सकते हैं। ये देखो, ये मैंने अदरक का पेस्ट बना लिया है, इसको मैं फ्रीजर में रख दूंगी ताकि मेरा ये 7-8 महीने तक चले। और इसमें से थोड़ी सी क्वांटिटी में अलग कंटेनर में डाल के रखूंगी जो कि मेरा रेफ्रिजरेटर में रहेगा। अच्छा, आप अब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर में अदरक को रखेंगे तो उसके ऊपर आइस जमा हो जाती है, तो आइस के लिए आप उसको जो हमारा जो फोक होता है, ये आप फोक से उसको आप इस तरह से 2 टेबलस्पून और वैसे ही नमक डाल देंगे। ये ऑयल और जो नमक है ये हमारा प्रिजर्वेटिव में काम करते हैं। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा सिरका भी डाल सकते हैं। पहले से प्रिजर्व करके रखो तो बहुत इजी हो जाता है, फटाफट से हमने कुछ बनाना है, टेस्ट लिया, निकाला और हो गया। लहसुन भी पीस लिया है, इसको भी आप किसी भी जो भी आपके घर में, जैसे आप कोई हनी खरीदते हैं या कोई पीनट बटर वगैरह लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, उसके आपके जो भी कंटेनर खाली होते हैं आप उसमें से इनको स्टोर करके फ्रीजर में रख सकते हैं। और उसमें से ही आप थोड़ा सा लहसुन अदरक जो भी आपने प्रिजर्व किया है उसको अलग किसी क्वांटिटी में रख के हफ्ते भर का फ्रिज में रख सकते हैं। और रेफ्रिजरेटर में अगेन मैं आपको बता रही हूँ, निकालने के लिए आप इस तरह का फोक यूज कर सकते हैं जो इजीली आपका आइस को ब्रेक कर देगा और आपको फ्रीजर में से लेने में दिक्कत नहीं आएगी। सेम इसी तरह से आप हरी मिर्च को भी प्रिजर्व करके रख सकते हैं। हरी मिर्च के भी आप जो पीछे की जो आपकी जो डंठल होते हैं उसको आप निकाल दीजिए और इस तरह से आपकी ये रिफाइंड और नमक डाल के पीस के आप उसको रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर में रख लीजिए और फिर आप उसको यूज करते रहिए 7-8 महीने तक। तो कैसा लगा आपको ये मेरा यूजफुल टिप, आप इसको जरूर आजमाइए। और आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।